देश की वो समस्याएं जो 70 साल से आजादी के बाद नेहरू की भूल की वजह से देश विभाजन के कगार पे चला गया और उसके बाद लाखों की तादाद के अंदर हमारे जो चाहे पाकिस्तान अफगानिस्तान बांग्लादेश के अंदर म्यांमार के अंदर जो अल्पसंख्यकों की श्रेणी के अंदर आते हैं, हिंदुस्तान में तमाम अल्पसंख्यकों को पूरी सुविधाएं दी गई। विभाजन के बाद भी ये कहा गया कि अगर किसी की इच्छा है तो हिंदुस्तान के अंदर रह सकता है, तो उस समय लाखों मुसलमानों ने हिंदुस्तान को अपना देश माना था और आज भी अल्पसंख्यक हमारे जितने भी धर्म है उनको उनके पालन का पूरा अधिकार इस देश के अंदर है। और विश्व के अंदर अगर सबसे ज्यादा शरणार्थियों को अगर किसी ने शरण दी, किसी पर संकट आया तो भारत की उसे याद आई, भारत ने उसे अपनाया। लेकिन एक छोटा सा मामला हमारे जो भाई चाहे वो हिंदू है बौद्ध है फारसी है, वो अल्पसंख्यक पाकिस्तान बांग्लादेश अफगानिस्तान और दूसरे देशों के अंदर जहाँ सताए जा रहे हैं, जहाँ आए दिन मंदिर टूटे वहाँ पे हमारे लोगों के धर्मांतरण जबरदस्ती धर्म बदलाया गया, हमारे बच्चे बच्चों के साथ जो आए दिन पढ़ने को मिलता है उससे व्यथित होके पहली बार देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने नागरिकता संशोधन बिल लेके आए। और ये जो घबराहट है ये नागरिकता संशोधन बिल की घबराहट नहीं है, देश के अंदर कांग्रेस को ऐसा लग रहा है कि जिस मूल वोट बैंक के खातिर इन्होंने 70 साल में बरगला के सांप्रदायिकता का जेर फैला के देश के अंदर जिस तरह एक वोट की राजनीति उन्होंने 1947 से पहले वाली कांग्रेस और बाद वाली कांग्रेस का जो बाद में कांग्रेस बनी इंदिरा के बाद कांग्रेस आई बनी उसी को लेते हैं कि हमने देश को आजाद कराया, ये था वो था। और एक वर्ग को इन्होंने ये कहा कि हम ही आपके असली रखवाले, और कांग्रेस को अभी लग गया कि ये तो नागरिकता संशोधन बिल आ गया, धारा 370 हट गई, अब जनसंख्या पे नियंत्रण का बिल आने वाला, इसलिए घबराहट के अंदर पहले से ही सड़कों पे उतर गए लोग। लेकिन इनका विरोध ज्यादा चलेगा नहीं क्योंकि देश के नौजवानों ने तय कर लिया कि अब हिंदुस्तान को बचाना हमारा लक्ष्य है। भारत को बचाने के लिए कितनी भी बड़ी कुर्बानी देने पड़े देश के नौजवान नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं, तमाम धर्मों के लोग इस मामले में साथ हैं और मुसलमानों के अंदर भी कई वो समझदार तबका आगे बढ़ के देश सभा के अंदर हम हजारों जगह देख रहे कुर्बानियां भी दी, अंग्रेजों से लड़ाई भी लड़ी। लेकिन कांग्रेस का जो असली चेहरा वो जनता के सामने आ गया और इससे ज्यादा शर्मनाक बात हो नहीं सकती। जिस तरह कांग्रेस दिल्ली से लेके उत्तर प्रदेश से लेके और राजस्थान के अंदर भी हिंसा फैलाने का काम कर रही है, ये सीधे तौर पे अब मुझे लग रहा है, मैं तो यहां तक कहना चाहूंगा कि अशोक गहलोत को अगर मुसलमानों की इतनी चिंता है और इतना ही वो हमदर्द है तो पाकिस्तान में जाके किसी स्टेट के मुख्यमंत्री और वहां के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बन जाए, खाली पड़ा पूरा देश उनके लिए। या राजस्थान में क्यों परेशान हो रहे, आने वाला समय कांग्रेस का राजस्थान के अंदर नहीं है।